शिक्षा दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। भारत के पहले राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था और उनका जन्मदिन भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी रहे। राष्ट्रपति और 2 बार उपराष्ट्रपति का पद सुशोभित करने वाले सर्वपल्ली राधाकृष्णन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वर्ष 1939 से 1948 तक वाइस चांसलर भी रहे। 5 सितंबर को शिक्षक से भारत के राष्ट्रपति तक का पद संभालने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 131वीं जयंती है। ऐसे मौके पर हम आपको पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन से जुड़ी एक बात बताना चाहेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। जब माओ के थपथपाए थे गाल, साल 1957 का क्या वाक्य है? भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन चीन के दौरे पर गए थे। उस वक्त माओ चीन के प्रसिद्ध नेता थे, या यूं कह लीजिए कि उस देश की राजनीति इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही थी। मानो राधाकृष्णन को मिलने के लिए अपने घर पर आमंत्रित किया था। राधाकृष्णन कुछ भारतीय अधिकारियों के साथ माओ से मिलने उनके घर चुग नानन हाई पहुंचे। यहाँ माओ उनकी अगवानी के लिए अपने आंगन में खड़े थे। आंगन में दाखिल होते ही दोनों नेताओं ने आपस में हाथ मिलाया। इसके बाद राधाकृष्णन ने माओ के गाल को थपथपाए और इस बर्ताव पर माओ के कुछ बोलने से पहले राधाकृष्णन ने ऐसी बात कह दी कि शायद वे चाहकर भी कुछ नहीं कह सके। गाल थपथपाने के बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने माओ से कहा, अध्यक्ष महोदय परेशान मत होइए, मैंने यही स्टाइलन और पॉप के साथ भी किया है। वेजिटेरियन राधाकृष्णन की थाली में माओ ने डाला मांसाहारी खाना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के इसी चीन यात्रा से जुड़ा एक और वाक्य बेहद रोचक है। बताया जाता है कि माओ और राधा कृष्ण एक साथ बैठकर भोजन कर रहे थे, तभी माओ ने खाते खाते बहुत अपना पर निशाने के लिए चॉपस्टिक से अपनी प्लेट से खाने का एक कौर उठाकर राधा कृष्ण की प्लेट में रख दिया। दिलचस्प बात यह है कि माओ को नहीं पता था कि राधा कृष्ण पूरी तरीके से शाकाहारी हैं और माओ के इस प्यार का राधा कृष्ण ने भी सम्मान किया। उन्होंने ऐसा माओ को एहसास नहीं होने दिया कि उन्हें कोई गलती की है। राधा कृष्ण की कटी उंगली देखकर द्रवित हो गए माओ। राधा कृष्ण और माओ से जुड़ा एक और किस्सा बेहद रोचक है। चीन यात्रा पर जाने से पहले राधा कृष्ण कंबोडिया गए थे। यहाँ उनके साथ सहयोगी कई गलती के चलते कार के दरवाजे से राधा कृष्ण की उंगली की हड्डी टूट गई थी। राधा कृष्ण जब चीन पहुंचकर माओ से मिले तो उनकी नजर उंगली पर गई। उन्होंने पहले तत्काल अपने डॉक्टर को बुलाया, उसका मलहम पट्टी किया और उसके बाद उन्हें उंगली के चोटिल होने की वजह जानी।